हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 21 दिसंबर। मेरे को पता है, मेरे को थोड़ा टाइम हो गया था वीडियोस अपलोड करे हुए। यहाँ पे ना एक्चुअली क्या हुआ भाई, एक दिन गया -12 और अपने लग गए भाई। पहला -12 तो हिट करता है, जम जाता है भाई सब कुछ यहाँ पे। पहले -12 में तो तुम्हारा भी जमेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो बस वही था, उसकी वजह से थोड़ी तबीयत नीचे वो हो गई, ख़राब हो गई थी। तो 2-3 दिन उसका रेस्ट कर रहा था। उसके बाद आज मेरी बैंक अपॉइंटमेंट थी, तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि बैंक अपॉइंटमेंट का क्या सीन है यहाँ पे। सो ऐसा था, यहाँ पे बैंक अपॉइंटमेंट का ना मेरे एरिया में बड़ा बीटी है। पहले क्या सीन पड़ा कि अब जैसे आपको पता है, मैं यहाँ पे रहता हूँ नरुणबाग और लांगनफ्रू, तो ये 3 डिफरेंट सिटीज़ है। कॉमर्स बैंक में हमारे एरिया में खोल नहीं रहे क्योंकि उन्हें रेजिडेंस परमिट चाहिए। और जो अर्लांगन फ्रूथ है, ऐसा हिसाब है। अब स्पार्क आदा का ये सीन है कि भाई 3 सिटीज़ तो उनके 3 डिफरेंट रीजन्स, तो उनके 3 डिफरेंट फंक्शनैलिटी, 3 डिफरेंट बैंक, मतलब ऐसे स्पार्क आदा अर्लांगन एक, स्पार्क आदा नूरनबर्ग दूसरा, स्पार्क आदा फ्रूट तीसरा। तो फिर मेरे वाले में क्या सीन पड़ा, पहले मैं फ्रूथ में क्या हुआ था, अपॉइंटमेंट लेके मस्त, मेरी क्योंकि टैक्स आई डी आई नहीं थी। तो और यहाँ पे ये भी सीन है कि भाई यहाँ पे इन्हें टैक्स आईडी भी चाहिए। अब मेरे एक दो दोस्त बर्लिन में रहते हैं, उन्हें टैक्स आईडी की कोई नीड नहीं थी। तो भाई ठीक है भाई, फिर टैक्स आईडी यहाँ पे हमें ऐसा पता चला था कि जो फ्रूथ वाली ब्रांच है वो टैक्स आईडी नहीं मांग रही, वो ना इंडियन पैन कार्ड पे भी अलाउ कर रही थी। अब क्या हुआ, जब मैं फ्रूथ वाले ब्रांच में गया, उन्होंने मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन देखी, वो कहते कि भाई आप तो नरुणबाग के हो, तो आपके तो हम कर ही नहीं सकते अकाउंट ओपन क्योंकि हमारे रीजन के अंडर ही नहीं आ रहा आपका। तो मैंने भाई फिर उन्हें ढंग से सुनाया कि भाई ये क्या बकचोदी है, पहले बता देते साले 10 दिन तुम्हारे लिए रुका ना होता मैं, तब तक क्योंकि मेरी टैक्स आईडी भी नहीं बनी थी। फिर क्या हुआ, फिर हम नरुणबाग वाले में गए, वहाँ पे सेम ही चीज़ की भाई टैक्स आईडी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है जिनकी अभी अभी सिटी रजिस्ट्रेशन हुई है। देखो बाकी जगह तो जितने मेरे फ्रेंड्स अलग अलग जगह रह रहे जर्मनी में, उन्हें कोई इशू नहीं आ रहा, कोई सिटी रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, सिटी रजिस्ट्रेशन मांग रहे, लेकिन टैक्स आईडी टूक्स आईडी का कोई चक्कर नहीं है। विदाउट टैक्स आईडी भी आराम से बैंक अकाउंट खोल रहे। ये पता नहीं सिर्फ नरुणबाग में थोड़ा रोला पाया हुआ था इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अब जैसे मेरी सिटी रजिस्ट्रेशन को हो गए थे 10-12 दिन, तो मेरे को इतना पता था कि ना 10-12 दिन में आपकी टैक्स आईडी जनरेट हो जाती है। सो उसके बाद जब आपकी टैक्स आईडी जनरेट हो जाती है ना, पोस्ट होने में वो ज़्यादा टाइम लेती है, मतलब 10 दिन ऊपर 5 दिन ऊपर। जो डिलीवरी पार्टनर है डॉइचे पोस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो कितना टाइम लेगा। तो फिर मैंने कहा भाई या तो ऐसा हो जाता, फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता। तो अब अगर आप लोगों के लिए भी ना टैक्स आईडी अगर आपको इम्पोर्टेंट पड़ जाती है कहीं कि आपसे कहीं टैक्स आईडी मांग ही रहे और आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन को 10-12 दिन हो गए, आप क्या कर सकते हो, आप ना डायरेक्टली जाओ अपने सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ पे आपने सिटी रजिस्ट्रेशन कराई है, उन्हें बोलो कि मेरी टैक्स आईडी दे दे। मैं भी गया, उन्होंने मैंने उनसे जैसे बोला कि मेरे को टैक्स आईडी चाहिए, उन्होंने मेरे को एक्सप्रेस लाइन में को डाल दिया अपना, और वहाँ पे मैम ने मेरे को लिटरली 2 मिनट के अंदर मेरी टैक्स आईडी दे दी, और वही मैं टैक्स आईडी अपने अब बैंक के डॉक्यूमेंट में सबमिट करा दूंगा। सो अब जैसे ही मैं बैंक में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आप लोगों से। आज है 28 दिसंबर, फाइनली भाई तुम्हारे भाई का बैंक अकाउंट खुल गया इतनी स्ट्रगल के बाद। बाय गॉड भाई, और किसी चीज़ में इतनी स्ट्रगल नहीं हो सकती इतनी बैंक अकाउंट खुलाने में होगी। वही था, जल्दी खुल जाना था, बट वो फिर क्रिसमस आ गया तो उसकी वजह से सब कुछ बंद था। तो कल फिर मेरे को आया था बंदे का मैं कॉल की भाई आके अपनी सारी डिटेल्स कल आज ले जाना, तो आज ले ली है। इसमें मेरे को IBAN मिल गया अपना जो मेन चाहिए होता है, और मेरी इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स मिल गई। डेबिट कार्ड मेरा घर पे आएगा 1 हफ्ते बाद। अब मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दूं जो आप लोगों के लिए ना काम आ जाएगी जब आप इधर आओ, कि आपको मेरी तरह ना इतना वो ना करना पड़े। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई यहाँ के जो बैंक्स के जो मैंने स्पेसिफिकली नोट किया रूल्स ना भाई,
रीजन वाइज स्टेट वाइज बहुत चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कॉमर्स बैंक है, कॉमर्स बैंक हमारे एरिया में नहीं खोल रहा क्योंकि उन्हें रेसिडेंस परमिट चाहिए आरपी, बट बाकी स्टेट्स में कॉमर्स बैंक खुल रहा है। स्पारकाजा का ऐसा सीन है कि हमारे रीजन में ही इन्हें टैक्स आईडी चाहिए, और अब जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं बर्लिन के, उनसे नहीं मांग रहे टैक्स आईडी। तो भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि ना ये जो रूल्स है ना बहुत ज़्यादा वो है रीजन वाइज बैंकिंग के। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा जब भी आपका है ना एक बार अपने ना सारे बैंक्स पर्सनली विजिट करके देख लेना, जहाँ पे सबसे जल्दी खुल रहा होगा ना वो खुलवा लेना। अब देखो यार ऊपर से ऐसा सीन था कि ना मेरे को स्पारकाजा कॉमर्स में खुलवाना था क्योंकि मैं अपने थोड़े इंडिया से पैसे लाया हुआ था, मेरे वो ख़त्म नहीं हुए थे, मेरे पैसों की अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, इवेंचुअली लकी था मैं, और मेरे को अगर कुछ चाहिए होता तो मेरे दोस्त ने मेरे को कैश दे दिया था अगर मेरे को इन द वर्स्ट केस चाहिए था। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आपका ब्लॉक अकाउंट बहुत जल्दी खुल जाए, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपके पास ना यहाँ पे ऑनलाइन भी बहुत वो आते हैं ऑप्शन, जैसे मनेसा हो गया, मनेसा में एक दोस्त ने खुलवाया, हार्डली 2 या 3 दिन में उसको ऑनलाइन खुल गया सब, उसको आईबैन एंड ऑल मिल गया, जो डेबिट कार्ड है उसका थोड़े दिन में घर आ जाएगा मेरी तरह। तो अगर आपको आते ही ब्लॉक अकाउंट खुलवाने और आपके एरिया में जैसे ये बैंक्स है ये नहीं कर रहे, या तो जैसे फिर डॉइचे बैंक हो गया या ये मनेसा हो गया ऑनलाइन, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी अच्छे बैंक होते हैं कि इनिशियल डेज में बंदा अकाउंट खुलवा ले, थोड़ा पैसा मंगवा ले ब्लॉक अकाउंट का, और फिर जैसे ही हमारे नॉर्मल बैंक खुलना चाहे तो अगर हमें सेफ साइड पे रहने तो इधर ब्लॉक अकाउंट सारा डाइवर्ट करा ले। अब मैं आपको ना घर जाके बताऊंगा कैसे अपने बैंक अकाउंट को अपने ब्लॉक अकाउंट से लिंक करते कि पैसा आएगा सारा, और हेल्थ इंश्योरेंस का मेरे को क्वेरीज आई थी थोड़ी बहुत कि ना हेल्थ इंश्योरेंस अगर हमारी पब्लिक है, अब जैसे हमारी क्लासेस तो अक्टूबर में स्टार्ट होगी और हम लेट आ रहे हैं, आपके केस में जैसे पैसा कट गया तो वो रीइंबर्स कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। आसान प्रोसेस है, ज़्यादा नहीं है, उनको एक दो लेटर भेजने पड़ते हैं, तो वो मैं आपको ना सारा घर जाके बता दूंगा कि अगर आप लेट आ रहे हो और आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस का रीइंबर्स लेना है कि जैसे 3 महीने बाद आ रहे हो आप दिसंबर में, तो आपका अक्टूबर नवंबर का सारा पैसा चला गया होगा, तो वो वापस कैसे लेना है या रीइंबर्स कैसे करवाना है, तो वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे अपने ब्लॉक अकाउंट और अपने आई बैन को लिंक करना है, और आप कैसे अपनी हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट कर सकते हो, और अगर आप लेट आ टीके का जो लेट अराइवल वाला फॉर्म है वो कैसे दिखता है, और वो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है कि आपके एडिशनल पैसे ना कटे जितना टाइम आप जर्मनी में नहीं आए हो, और उसके अगर आपके पैसे कट चुके हैं टीके की हेल्थ इंश्योरेंस के, तो वो वापस रीइंबर्समेंट कैसे लेनी होती है। तो ये आपका एक्सपैट्रियो का पोर्टल है, आपके एक्सपैट्रियो में आप यहाँ पे अपने ब्लॉक अमाउंट पे गए, अगर आपका फिनटीबा या क्रैकर है सबका प्रोसेस सेम होता है, अवेटिंग एक्टिवेशन का आ जाएगा यहाँ पे, और आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे वीडियो भी बताई हुई है कि हाउ टू एक्टिवेट, अगर आप ये देखना चाहते हो तो ये देख लो, लेकिन प्रोसेस बहुत सिंपल है, वो आपकी मर्जी है। आपने फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको आपका करंट जर्मन एड्रेस देना है, तो मैं ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको बताता रहता हूँ धीरे धीरे। अब आप जैसे ही अपनी सारी डिटेल्स भर दोगे एड्रेस वाली, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर अब आपके यहाँ पे आपको आईबैन आएगा, जो आपको आईबैन आपके बैंक से मिला होगा, अब आपको वो एंटर करना है यहाँ पे। जब आप अपनी बैंक डिटेल्स एंटर कर दोगे तो एक बार कंफर्म कर लेना कि आपका जो आईबैन है वो सारा सही डिटेल्स लगी है, 2-3 बार उसको चेक कर लेना, और उसके बाद आपको क्लिक करना है कि आई हेयर बाय कन्फर्म माई बैंक डिटेल्स आर करेक्ट एंड इट्स अंडर माई नेम, नेक्स्ट पे क्लिक करके अब आपका आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट का आएगा। यहाँ पे आपको आपके वीज़ा स्टार्ट डेट लिखनी है, आपका एक्सपेक्टेड अराइवल, और आपको आपके वीज़ा डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अटैच करनी है। अब जैसे अब यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर कर दोगे कि आप कब आ रहे हो,
तो ना अब आपके पास जो एक्सपैट्री हुआ ना एक अच्छा ऑप्शन देता है ये, मैंने फेंटीबा और करैकल बाकी जगह नहीं देखा कि जैसे अब सपोज करो हम लेट आ रहे हैं, जैसे मैं दिसंबर में आ रहा हूँ और मेरे पिछले ऑलरेडी 2 मंथ के आ निकल चुके हैं, तो अगर आप फेंटीबा में हो गए ना तो आपका जिस मंथ से आप आना शुरू हुए हो वो मंथ आपका पहला काउंट कंसिडर किया जाएगा। बट एक्सपैट्रियो क्या कहते हैं, एक्सपैट्रियो आपको 2 ऑप्शन दे देगा, जैसे प्रेफर्ड पे आउट मंथ नवंबर, अगर मैं नवंबर सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को 2 मंथ के ब्लॉक अकाउंट के पैसे आएंगे, और अगर मैं दिसंबर सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को 1 मंथ का आएगा। सो फॉर सम रीज़न अगर आपको ज़्यादा पैसा लाना और आप लेट आ रहे हो कि ज़्यादा पैसा पहली बारी में मेरे पास आ जाए, आपको जहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा कि आपको ज़्यादा महीनों के पैसे एकदम आने लग जाएंगे, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं 2 मंथ का ले रहा हूँ, हाँ इससे ये एक नुकसान होता है कि जो मेरा ब्लॉक अकाउंट 12 महीने चलना था वो 11 महीने चलेगा, बट वो अक्टूबर के हिसाब से चलेगा। तो इसमें ये आपका डिसीजन होता है कि आपको पहले मंथ में अगर आप लेट आ रहे हो तो आपको कितना पैसा लेना है, 2 मंथ का लेना है या 1 मंथ का लेना है। अब जैसे मेरे को 2 मंथ का लेना है तो मैंने 2 मंथ का सिलेक्ट किया, और अब यहाँ पे मेरे को अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है। फिर जब आपने अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट अब जब आपने अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो ये आपसे आपकी कन्फर्मेशन मांगेगा कि ये 2 दिन लेते हैं वेरीफाई करने में, तो आपको थोड़े दिनों में फिर आपका पैसा डायरेक्टली आई बैन में आ जाएगा। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब जैसे मेरे पास एक आईफोन है या अगर आपके पास कोई वॉल सैमसंग का फ़ोन है या कोई भी स्मार्टफोन है आज की डेट में जो ऑनलाइन वॉलेट अलाउ करती है जिसमें आप कार्ड सेव कर सकते हो, सो अगर तो आपको इमरजेंसी में अपना डेबिट कार्ड यूज़ करना है, क्योंकि डेबिट कार्ड तो 1 वीक बाद आएगा, तो अब एप्पल में क्या होता है, एप्पल वॉलेट में जो इनके वर्चुअल कार्ड होते हैं ना, स्पार्क का या कोई भी बैंक का, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाता है। सो अगर आपका डेबिट कार्ड आने में टाइम लग रहा है और आपको कहीं पेमेंट करनी है अर्जेंटली डेबिट कार्ड पे, तो जो आपके पास आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाएगा ना उसको अपने वॉलेट से लिंक कर लेना, और फिर जैसे ही ब्लॉक अमाउंट का पैसा आएगा तो आप वहाँ से वायरलेसली पेमेंट्स कर सकते हो अगर आपको कहीं पेमेंट करनी है। तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो आपको फिर बस एक्टिवेट पे क्लिक करना है और आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही मेरा ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेट हो गया, अब यहाँ पे आ गया कि भाई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्टिवेट कर लो। अब यहाँ पे आया है एक्टिवेट हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सपेक्टेड अराइवल डेट 29th है, इंश्योरेंस डिजायर स्टार्ट डेट यहाँ पे मैं 29th अक्टूबर नवंबर कर देता हूँ क्योंकि मैं 29th को ही आया हूँ, ठीक है। अब यहाँ अब मेरे को यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट ऑफ मेट्रिकुलेशन अपलोड करना है, जो है मेरा इनरोलमेंट सर्टिफिकेट, तो मैं एक बार वो भी कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। एक्टिवेट, ये एक्टिवेट पे कर दिया भाई, मेरी हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्टिवेट होगी, ये सारा प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आजकल बहुत लोगों को इशू आ रहा है कि भाई उनके हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे जल्दी से कटने लग गए, मतलब जैसे अब मेरा केस लगा लो, अगर मैं नवंबर में आया हूँ, मेरी अक्टूबर और नवंबर जो एक पूरा मंथ है वो मैं आया नहीं और मेरा उसका पैसा कट गया, तो वो कैसे रीइंबर्स करना है, उसके लिए ना मैं ये एक फॉर्म है टीके का, तो आपको यहाँ पे आपकी पर्सनली पर्सनल डिटेल्स डालनी है, आपको आपका डेट ऑफ अराइवल जो फ्लाइट डिटेल्स है वो डालनी है, एड्रेस इन जर्मनी, और ये फिर ऑप्शन आ जाएगी, आई गॉट माई वीज़ा बिकॉज ऑफ पैंडमिक, आई एम सिक, नॉट पॉसिबल फॉर एयर ट्रैवल या कोई और रीज़न। यहाँ पे फिर आपको साथ के साथ प्लीज़ अटैच द फ्लाइट टिकट और योर पासपोर्ट कॉपी विद स्टैम्प एज अ प्रूफ ऑफ योर ट्रैवल अराइवल डेट, तो आपको यहाँ पे अपने साइन करके ये वाली चीज़ ठीक है या एक्सपैट्रियो को ईमेल कर देनी है। तो उससे क्या होगा, ये अगर आपका पैसा ज़्यादा कट गया होगा जितने टाइम आप जर्मनी में नहीं आए हो, उसका हेल्थ इंश्योरेंस का सारा रीइंबर्समेंट आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप लेट आ रहे हो 2 महीने लेट आ रहे हो तो आपके 200 यूरो जाता रहेगा, जो हेल्थ इंश्योरेंस का कट रहा है वो रीइंबर्स हो जाता है। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या मेरे को मेरी जो इंस्टाग्राम की आईडी आप उसमें मेरे को डीएम कर देना कि मेरे को ये लिंक दे दो, तो मैं वहाँ पे भी आपको दे दूंगा ये फाइल का लिंक। सो यार ये तो मेरा पूरा प्रोसेस था बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट के लिए कैसे अप्लाई किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना होता है जब आप बैंक अकाउंट खुला रहे होते हो, और अपने बैंक अकाउंट का जब आपके पास आई बैन की डिटेल्स आ जाती है आप उसको कैसे लिंक कर सकते हो, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कैसे एक्टिवेट करा सकते हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे ले सकते हो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग बैंक अकाउंट, ब्लॉक अकाउंट एक्टिवेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड कोई ऐसी क्वेरी अभी भी आपके मन में है तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दे दूंगा। जैसे ही आपको पता है कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर अभी क्रॉस करे, एंड आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग सच अ वंडरफुल सपोर्ट, उसके लिए ही मैंने एक Q&A सेशन रखा है कि अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन, APS, कोई भी आपको लगता है, तो एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है वो
अगर आप इस वीडियो में जो भी आपके कमेंट्स है वो, एंड एक मेरी कम्युनिटी पोस्ट है वो, वहाँ पे आप कोई भी अगर आप क्वेरी लिख दोगे, आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख दोगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा। मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हो, जर्नलाइज क्वेश्चन, और जितने जो सबसे कॉमन इश्यूज आते हैं बच्चों को, तो उन सब के आंसर दे दूँ कि आपको इन फ्यूचर और कोई दिक्कत ना आए। सो अगर आपके पास कोई ऐसा डाउट है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो इन तीन मीडियम्स का यूज़ कर लेना, गूगल फॉर्म या कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट में। मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आप लोगों के, कि आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो। सो टिल देन, चूस, चाओ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।